The fossils of those dinosaurs which were inhabiting Antarctica and Arctic, the climate in these areas was milder than dinosaurs existed than it is today. तो माइल्डर क्यों कह रहा है? क्योंकि आज तो हार्श क्लाइमेट है, अंटार्कटिका एंड आर्टिक रीजन में फ्रोजन फ्रीजिंग कंडीशंस है. पहले माइल्डर कंडीशंस था, यानी थोड़ा सा ये गर्म था, फ्रीजिंग कंडीशंस नहीं थे उसमें. यहाँ पर डायनासोर्स भी रहते थे. इट वॉज कूल इनफ दैट स्मॉल डायनासोर्स मे हैव हैड डिफिकल्टी मेंटेनिंग ए हाई बॉडी टेम्परेचर थ्रू एक्टोथर्मी. तो कुछ जो छोटे वाले डायनासोर थे उनको डिफिकल्टी होता था. तो वो छोटे वाले डायनासोर कहाँ पर रहते थे? अंटार्कटिका एंड आर्टिक रीजन में, क्योंकि उनका बॉडी सरफेस एरिया, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो जो था कम था. इट वॉज कूल इनफ दैट स्मॉल डायनासोर्स थे वो, मे हैव हैड डिफिकल्टी मेंटेनिंग इन हाई बॉडी टेम्परेचर थ्रू एक्टोथर्मी. द डायनासोर दैट गेव राइज टू बर्ड्स वॉज सर्टेनली एंडोथर्मिक एज ऑल बर्ड्स. वो वाले डायनासोर जिनसे बर्ड्स बने वो एंडोथर्म थे. तो वो वाले डायनासोर एंडोथर्म थे. वो कहाँ पर फिर उनका विकास हुआ? तो ये हाइपोथेसिस है कि उनका विकास शायद अंटार्कटिका और आर्टिक रीजन में रहने वाले जो डायनासोर्स थे, क्योंकि वो माइल्डर कंडीशन था वहां पर उस समय, तो एक्टोथर्म्स को थोड़ा मदद मिला उस एनवायरमेंट वाले रहने, उस एनवायरमेंट में रहने वाले एक्टोथर्म्स को, उनको लार्जर बॉडी साइज की जरूरत नहीं पड़ी टू मेंटेन देयर एक्टोथर्मिक बॉडी. एंड लेटर ऑन दोज डायनासोर्स दे बिकम एंडोथर्मिक एंड लेटर ऑन दे ऑल बिकम बर्ड्स. ओके, सो ट्रेडिशनली डायनासोर्स वेयर कंसिडर्ड स्लो स्लगिश क्रिएचर्स. ओके, पहले सोचा जाता था कि डायनासोर धीरे चलता होगा और काफी स्लगिश होगा, लेकिन क्योंकि फॉसिल तो बहुत दिन से मिल रहा था डायनासोर का, पहले लोगों को समझ, बहुत सारा फॉसिल नष्ट हो गया. एकदम फॉसिल जो है कितना कीमती चीज है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमको कितना जानकारी देता है फॉसिल, और कितने पुराने, कितने साल का वो प्रिजर्व स्पेसिमेन है. तो पहले जब फॉसिल मिलता था, जब साइंस का इतना विकास नहीं हुआ था, तो लोग खेल खेलते थे उसको बर्बाद कर देते थे. इसीलिए बहुत सारा फॉसिल्स जो है, अब तो फॉसिल को इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा इन 20th century. तो फॉसिल्स डिस्कवर्ड ड्यूरिंग, मोस्ट ऑफ द फॉसिल डिस्कवर्ड, क्योंकि ये सब एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड. तो पैलेंटोलॉजिस्ट तो खोजते हैं उस रॉक में, जिस रॉक का एज हो अप्रोप्रिएट उस फॉसिल के, तो उसमें खोजते हैं. लेकिन एक्सीडेंटली बहुत सारा आदमी धरती पर रह रहा है, उन लोग को माइनर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, दे एक्सीडेंटली फाइंड दिस फॉसिल्स एंड वो सब डिस्ट्रॉय हो गया बहुत सारा उसका इम्पोर्टेंस. तो अब कोई अगर नया फॉसिल मिलेगा, सपोज डिस्कवरी होगा, तो कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड होगा हमारे नॉलेज में. ओके, तो पहले क्या होता था, जो फॉसिल मिला हुआ था उसके आधार पर उन्होंने सोचा कि डायनासोर धीरे चलता होगा. लेकिन 1970s में फॉसिल डिस्कवरी जो हुई और उसके बाद रिसर्च उस पर हुआ, द रिसर्च हैव लेड टू द कंक्लूजन दैट मेनी डायनासोर्स वेयर एजाइल एंड फास्ट मूविंग. बहुत ही फुर्तीला था वो और बहुत ही तेज चलने वाले भी थे डायनासोर्स. इसका मतलब लैंड पर रहने के लिए डायनासोर जो थे बहुत ही अच्छे से एंड फुल्ली अडेप्टेड था, यानी वो स्लो और स्लगिश नहीं, दे वेर एजाइल एंड फास्ट. तो लैंड पर सक्सेस कौन करेगा? जितना एजाइल और फास्ट होगा लैंड के लाइफ के लिए सक्सेस होगा, करेगा वो. नॉट ओनली दिस, दे वेर फ्लाइंग ऑल्सो. डायनासोर्स हैड अ लिंब स्ट्रक्चर दैट इनेबल्ड them to walk and run more efficiently than could earlier tetrapods. तो डायनासोर जो थे, अभी तक टेट्रापोड का जो इवोल्यूशन हो रहा था उसमें अब डायनासोर का अपीयरेंस आया,
और अभी तक जो डायनासोर जो थे बाकी सब टेट्रापोड पहले वाले टेट्रापोड से उन सब टेट्रापोड से ज्यादा इफिशियंटली और रन वो वॉक और रन कर सकते थे। ठीक है, तो अब जो हो गया डायनासोर इस समय का आपके मिसोजोइक एरा में सबसे सक्सेसफुल और सबसे कॉम्प्लेक्स उस समय का और सबसे एडवांस्ड एनिमल था, विच हैड ए स्प्रॉलिंग गेट। फॉसिलाइज्ड फुटप्रिंट्स एंड अदर एविडेंस सजेस्ट दैट सम स्पीसीज वेयर सोशल, और वो सोशल भी थे, मिल करके शिकार भी करते थे, स्ट्रेटजी भी बनाते थे, उनके पास दिमाग भी था, सोशल है तो क्या होगा, सोचने की क्षमता भी है। सोशल कौन होता है? जिसके पास थिंकिंग कैपेबिलिटी हो। ओके, दे लिव एंड ट्रेवल्ड इन ग्रुप्स मच एज मेनी मैमल्स डू टूडे। ग्रुप में रह रहे हैं, सोशल है। पैलेंटोलॉजिस्ट हैव आल्सो डिस्कवर्ड एविडेंस दैट सम डायनासोर्स बिल्ट नेस्ट एंड ब्रूडेड देयर एग्स एज बर्ड्स डू टूडे। घोंसला भी बनाते थे और अपने अंडे को सेते भी थे, यानी उनमें पैरेंटल केयर भी था, इतने ज्यादा सोशल थे। ओके, जैसे आजकल बर्ड्स करते हैं। क्लियर है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर। ये डायनासोर को खत्म कर देते हैं। लेपिडोसोर या लेपिडोसोर्स का इवोल्यूशन फिर या देख लेते हैं, छोटा सा ही है, लेपिडोसोर भी देख लेते हैं। ओके, ऑल डायनासोर्स एक्सेप्ट बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट बाय द एंड ऑफ द क्रिटेशियस पीरियड। बता रहे हैं बार बार, डायनासोर बर्ड भी डायनासोर ही है एक तरह से। ओके, कौन सा, कहां से इसका विकास हुआ बर्ड का? वो वाले डायनासोर जो कि अंटार्कटिक और आर्कटिक रीजन में रहते थे, तो उनको अपना बॉडी जो था उसको बड़ा करने का जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, वो एक्टोथर्मी को विदाउट मेनी एडेप्टेशंस दे वर एबल टू मेंटेन, ज्यादा एडेप्टेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड दोज बर्ड्स वेयर डेवलप इंटू दोज एनिमल्स वेयर लेटर डेवलप इंटू फर्स्ट एंडोथर्म एंड देन लेटर दे बिकम बर्ड्स। तो ये बर्ड भी डायनासोर ही है एंड बिकेम एक्सटिंक्ट बाय द एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड। यही है क्रिटेशियस पीरियड में, बार बार हम बता रहे हैं, उनका पिन टकरा गया। देयर एक्सटिंक्शन मे हैव बीन कॉज्ड एट लीस्ट इन पार्ट बाय द एस्टेरॉयड और कॉमेट इंपैक्ट। ठीक है, अभी भी डिबेट है बट देयर इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस। ये क्यों कह रहा है, लाइन पर गौर कीजिए, मे कह रहा है, हो सकता है कि उनका एक्सटिंक्शन जो है कोई उल्का पिंड के टकराने की वजह से या कोई धूम केतु के इंपैक्ट की वजह से धरती पर सारे उस समय जो सक्सेसफुल थे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड मरीन एनिमल्स आल्सो मेनी लार्ज एनिमल्स ऑल बिकेम एक्सटिंक्ट। तो क्यों कह रहा है मे हैव बीन, क्योंकि वी हैव द एविडेंस दैट उल्का पिंड तो टकराया, इसका एविडेंस तो है न्यू मैक्सिको में, अभी भी वो है क्रेटर मौजूद, 10 किलोमीटर लंबा उसका डायमीटर है उस क्रेटर का, उस समय टकराया लेट क्रिटेशियस में, अभी भी गड्ढा है, सोचो उस समय से गड्ढा तो भरना शुरू होता है, एंट्रोपी पर है, हो गए पहाड़ घिसेगा गड्ढा भरेगा, ऑर्डरनेस होगा डिसऑर्डरनेस धीरे धीरे फैलेगा, इनवर्स का रूल है, तो गड्ढा कितना भरा, अभी भी बहुत बड़ा गड्ढा है वो। ओके, लेक बन गया है उसमें, तो इंपैक्ट तो हुआ, लेकिन हम कंक्रीटली ये नहीं कह सकते कि उस इंपैक्ट की वजह से ही सारा एक्सटिंक्ट हो गया, हम अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन इंपैक्ट हुआ तो इंपैक्ट होने से बहुत सारे स्पीसीज का डेथ हो गया होगा, तो ये कोई जरूरी नहीं कि उसी समय एक्सटिंक्ट हो गया, हो सकता है क्रिटेशियस पीरियड भी लंबा था, मिलियंस ऑफ ईयर्स का था, तो कुछ साल के बाद हुआ होगा, कुछ मिलियन ईयर्स के बाद कुछ बच गए होंगे थोड़े बहुत, कुछ उसी समय चले गए होंगे, कुछ कुछ साल के बाद गए होंगे किसी दूसरी वजह से भी, हो सकता है जो बच गए, तो कंप्लीट एक्सटिंक्शन का हमको काउज नहीं पता है, बट ए मेजर इंपैक्ट वाज डन ऑन द
by the this asteroid and comet impact. Some analyses of fossil record are consistent with this idea that in that they show a sudden decline in dinosaur diversity at the end of the Cretaceous. ठीक है, कुछ एनालिसिस जो पैलेंटोलॉजिस्ट किए हैं उसमें देखें कार्बन क्रिटेशियस पीरियड का जो लेयर है आपका स्ट्रेटोस्फेयर में, सॉरी इन योर लिथोस्फेयर जमीन में, क्रिटेशियस टाइम का जब मिट्टी आएगी तो वहां पर डायनासोर का डाइवर्सिटी जो है धीरे धीरे डिक्लाइन कर गया, उसका स्टडी करने पर पता चला। तो इससे ये भी लगता है एविडेंस है, बट दिस इज अगेन नॉट द कंक्रीट वन। However, the analysis indicate that the number of dinosaur species had began to decline several million years ago before the Cretaceous ended. Further fossil discoveries and new analysis will be needed to resolve this debate. कुछ analysis ऐसा भी है जो indicate करता है कि dinosaur का species Cretaceous period के end होने के several million years पहले से ही dwindle होना शुरू हो गया था, decline होना शुरू हो गया था, but the cause is not known. So these two theories are there. और ये भी हो सकता है कि दोनों true हो, okay, दोनों साथ साथ हो रहा हो, तो अभी हमको इसके बारे में concrete evidence नहीं है. Further fossil discoveries and new analysis will be needed to resolve this debate. अब आते हैं living reptilia का evolution कैसे हुआ, okay? लेपिडोसोरिया आपका है वन ऑफ द लिविंग रेप्टिलिया, ओके, स्कल इज डायप्सिड, इसी में था योसुचिया, रिंकोसिफेलिया, स्क्वामेटा, ओके। वन सर्वाइविंग लीनियज ऑफ लेपिडोसोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय टू स्पीसीज ऑफ लिजार्ड लाइक रेप्टाइल्स कॉल्ड ट्वाटारास। एक लीनियज जो है लेपिडोसोरिया का ट्वाटारा है। Fossil evidence indicates that Tuatara ancestors lived at least 220 million years ago. So 220 million years ago, कौन सा time हो गया आपका? Triassic हो गया, Triassic period. These organisms thrived on many continents well into the Cretaceous period. Cretaceous period में ये धरती के cosmopolitan थे in distribution, धरती के सातों महाद्वीप पर ये फैले हुए थे, एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में, लेकिन नहीं सॉरी क्रिटेशियस में सातों महाद्वीप था का, ओके, लैंड का मास था उस समय, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो ही रहा था उस समय, अभी भी हो रहा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, बट लैंड्स वेयर स्टिल इंटैक्ट इन क्रिटेशियस पीरियड। तो जो लैंड मास था सब जगह काफी बहुतायत में ट्वाटाराज होते थे, रीचिंग अप टू ए मीटर इन लेंथ। टुडे हाउएवर ट्वाटाराज आर फाउंड ओनली ऑन 30 आइलैंड्स ऑफ द कोस्ट ऑफ द न्यूजीलैंड। आजकल सिर्फ न्यूजीलैंड के 30 द्वीपों तक ये सिमट कर रह गए। क्यों रह गए? न्यूजीलैंड में भी ये बहुतायत मात्रा में थे, लेकिन व्हेन ह्यूमंस अराइव्ड इन न्यूजीलैंड 750 इयर्स अगो, 750 साल पहले जब आए सेटलर्स यहाँ, यूरोपियन सेटलर्स भी आए और अपने साथ क्या लाए? चूहा, रैट, ओके। वो चूहे जो है ट्वाटारा के अंडे को क्या करते थे? डिवोर। डिवोर मतलब होता है खा जाते थे, हंगरीली और क्विकली, ताबड़तोड़ भूखड़ के जैसा ट्वाटारा का अंडा उनको, क्योंकि चूहा जो आ गया जहाज में, पहले रैट का अलग हैबिटेट था, जिस हैबिटेट सपोज मेन लैंड पर हैबिटेट था, सपोज मान लो कि चाइना से जहाज आया सेटलर्स का या यूरोपियन शिप आया, तो चूहा जो था यूरोप में, यूरोप का चूहा है वो, तो वहां पर तो उसको उसका अपना फूड चेन है, सब कुछ मिल रहा था, जहाज पर भी उसको खाने का चीज मिल रहा था, फूड पार्टिकल ये सब। अब नया लैंड पर आ गया, यहाँ पर डिफरेंट, न्यूजीलैंड इज वेरी डिफरेंट, वहां सब अलग अलग स्पीसीज है, चूहा कंफ्यूज है, उसको ट्वाटारा का अंडा मिल गया, मजा आ गया उसको, ये खाया, अब वो इसके पीछे पड़ गया, ट्वाटारा का जो अंडा था उसको खा खा के खत्म कर दिया 750 साल से, इवेंचुअली एलिमिनेटिंग द रेप्टाइल्स ऑन द मेन लैंड।
टार्टारास दैट रिमेन ऑन द आउटलाइन मेनलैंड किसका, न्यूजीलैंड का मेनलैंड जो है, न्यूजीलैंड में बहुत सारा आइलैंड है उसके मेनलैंड पर कंप्लीटली ट्वाटारा खत्म हो गया राइट के द्वारा। अब बच गया है 30 आइलैंड जो छोटे छोटे हैं उस पर बच गए, क्योंकि वहां भी चूहे पहुंचे नहीं, बचे हुए। अगर चूहा यहाँ भी पहुंच गया तो यहाँ से भी ट्वाटारा खत्म हो जाएगा। द ट्वाटारास दैट रिमेन ऑन द आउटलाइन, बाहर के जो आइलैंड है, आर अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, आधा मीटर तक ये लंबा होता है ट्वाटारा, एंड फीड ऑन इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े खाते हैं, छोटे लिजार्ड्स को खाते हैं, बर्ड के अंडे को खाते हैं और मुर्गी को भी खा सकते हैं। ट्वाटारास बड़ा होता है, बड़ा गिरगिट है, आधा मीटर हाथ में, यानी आप एक दोनों हाथ को एक हाथ के बराबर है आपके, इतना बड़ा ये लिजार्ड लाइक एनिमल है। दे कैन लिव टू बी ओवर 100 ईयर्स ओल्ड, जीता बहुत ज्यादा दिन है। रेप्टाइल्स चिलोनिया वाला कितना, 200 ईयर्स तक जी रहा था। कछुआ ये भी कम नहीं, ये भी 100 साल तक जी जाता है। दे कैन लिव टू बी ओवर 100 ईयर्स, 100 ईयर्स से ज्यादा। देयर फ्यूचर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन वेदर देयर रिमेनिंग हैबिटेट आर केप्ट राइट फ्री, यही है स्ट्रेटजी, यही कहने का मतलब हुआ। वो भविष्य में बचेंगे कि नहीं, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनका हैबिटेट जो है रैट फ्री रखा जाए। जब तक रैट फ्री रहेगा, अगर ये 30 आइलैंड में भी रैट अगर घुस गया, तो सरकार इस पर काफी काम कर रही है, न्यूजीलैंड की सरकार, और अगर यहाँ आ गए तो ये ट्वाटारा का 2 स्पीसीज जो बचा हुआ है वो भी गायब हो जाएगा यहाँ से। द अदर मेजर, तो एक लीनियज ये हो गया लेपिडोसोरिया का, रिंकोसिफेलिया का ट्वाटारा। तो अदर लीनियज जो है उसमें स्क्वामेटा है, लिविंग लीनियज ऑफ लेपिडोसोरिया, जिसमें लिजार्ड एंड स्नेक्स हैं, एंड स्क्वामेटा में 7,900, लगभग 8,000 के लगभग स्पीसीज है। तो कितना ये सक्सेसफुल है, ट्वाटारा में 2 ही था, इसमें 7-8 हजार के लगभग है। उसमें भी लिजार्ड्स आर द मोस्ट न्यूमरस एंड डाइवर्स रेप्टाइल्स, स्नेक से ज्यादा लिजार्ड्स है अपार्ट फ्रॉम बर्ड्स, ओके, अलाइव टुडे। मेनी लिजार्ड्स आर स्मॉल, इसमें भी वेराइटी है, लिजार्ड छोटा से लेके 3 मीटर तक हो सकता है इसका साइज, ठीक है, 3 मीटर का साइज वाला लिजार्ड। एक दिन क्लास में कोई पूछ रही थी, कोमेडो ड्रैगन जो है इंडोनेशिया का वो है, और छोटा वाला लिजार्ड जो है ये रिसेंटली डिस्कवर हुआ है 2001 में ही इन डोमिनिकन रिपब्लिक कंट्री, नाम है जरागुआ लिजार्ड, जरागुआ लिजार्ड डिस्कवर्ड इन डोमिनिकन रिपब्लिक अफ्रीका, डोमिनिकन रिपब्लिक अफ्रीका में है क्या, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, या कंट्री, ओ कैरिबियन में, सॉरी कैरिबियन यानी वेस्ट इंडीज के पास है, क्रिकेट खेलता है लोग, डोमिनिकन रिपब्लिक, क्यूबा अमेरिका के साइड बगल में है और अटलांटिक ओशियन में है। डोमिनिकन रिपब्लिक इन 2001, आइलैंड कंट्री है, छोटा देश है, इज ओनली 16 मिलीमीटर लॉन्ग, इतना छोटा लिजार्ड है, 16 मिलीमीटर यानी 1.5 सेंटीमीटर के लगभग है, यानी एक सिक्के के ऊपर फिट हो जाएगा ये, स्मॉल इनफ टू फिट कंफर्टेबल ऑन अ डाइम, एक सिक्का के ऊपर ये फिट हो जाएगा ये लिजार्ड। तो स्मॉलेस्ट लिजार्ड है जरागुआ लिजार्ड, फाउंड इन डोमिनिकन रिपब्लिक, और लॉन्गेस्ट लिजार्ड इज इन कॉन्ट्रास्ट द कोमेडो ड्रैगन ऑफ द इंडोनेशिया, इज अ लिजार्ड दैट कैन रीच ए लेंथ ऑफ 3 मीटर, इट हंट्स डियर एंड अदर लार्ज प्रे, डिलीवरिंग वेनम विथ इट्स बाइट, ओके। इसके वेनम पर भी बहुत रिसर्च चल रहा है। मिस्टीरियस सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन इट्स वेनम, वेनम ये बाइट करता है, वेनम का थोड़ा सा भी पार्टिकल सिक्रीशन इफ गोज इन द सर्कुलेशन तो एनिमल जो है बच नहीं पाता है इसमें कुछ, बट दे आर कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ टॉक्सिसिटी है स्नेक से अलग, इसी पर काफी वर्क हो रहा है अभी, इसका मेडिसिनल यूज भी किया जा सकता है इसको मॉडिफाई करके, ओके। ये मुंह से हवा भी छोड़ देता है कोमेडो ड्रैगन ना, स्मॉल प्रे जो है ये क्या करेगा, मुंह खोल करके फूंक देता है, सीधा फूंक भी देगा, और फूंकने की वजह से इसके अंदर बहुत सारा इन्फेक्शन होता है, हार्मफुल पैथोजेंस
कोमोडो ड्रैगन के बक्कल कैविटी पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक में, जो इसको नुकसान नहीं पहुंचाता है, और फूक दिया और उसके अंदर हवा चली गई एनिमल में, और वो काफी एडवर्स इन्फेक्शन काउज कर देगा इन दैट स्मॉल प्रे, और थोड़ी दूर पर जाकर के वो फिर मर जाता है, और बाद में आकर ये खाता है कोमोडो ड्रैगन, सड़ा गला मांस खाता है कोमोडो ड्रैगन। ठीक है, तो अब लिजार्ड के बाद तीसरा जो है लेपिडोसोरिया का टाइप, पहला क्या बताया ट्वार्टारा, सेकेंड वन इज लिजार्ड। लिजार्ड तो डिफरेंट आप ऑर्डर से बिलोंग करता है, ओके, डिफरेंट ऑर्डर और डिफरेंट सब ऑर्डर। स्नेक जो है आपका वो है, ये भी लेपिडोसोर है और स्क्वामेटा ऑर्डर से ही बिलोंग करता है, बट डिफरेंट सब ऑर्डर ओफिडिया, ओके। स्नेक्स आर लेगलेस लेपिडोसोर्स डिसेंड फ्रॉम लिजार्ड्स विद लेग्स। इसके एंसेस्टर जो थे लिजार्ड, लेग वाले लिजार्ड थे। टुडे सम स्पीसीज ऑफ स्नेक्स रिटेन वेस्टिजियल पेल्विक एंड लिम्ब बोन्स, अभी भी इनके पास वेस्टिजियल पेल्विक एंड लिम्ब बोन्स है कुछ स्नेक्स के पास, एंड दे प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ देयर एंसेस्ट्री, जिससे हमें उनका एंसेस्ट्री का पता चलता है। डिस्पाइट देयर लैक ऑफ लेग्स स्नेक्स आर क्वाइट प्रोफिशियंट एट मूविंग ऑन लैंड, लेग नहीं है फिर भी जमीन पर आराम से, बहुत ही आराम से बिना दिक्कत के मूव कर सकता है। कैसे? मोस्ट ऑफन बाय प्रोड्यूसिंग वेव्स ऑफ लैटरल बेंडिंग दैट पास फ्रॉम हेड टू टेल। लैटरल बेंडिंग है, हेड से टो की तरफ पास होता है, एक तो मूवमेंट ये है लाइक वेव, एंड द सेकेंड इज जो उसके वेंट्रल साइड में स्केल्स होते हैं, ओके, एंड द फोर्स एग्जर्टेड बाय द बेंड्स अगेंस्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट पुशेस द स्नेक फॉरवर्ड। सॉलिड ऑब्जेक्ट नीचे वाला जो रोड पर चल रहा है उससे, लेकिन स्नेक जो है अगर उसको चिकना सरफेस मिलेगा तो वो फिसल जाता है। क्यों फिसलता है, नहीं चल पाता है, क्योंकि नीचे में जो स्केल्स होते हैं टुवर्ड द वेंट्रल साइड, उसके और जो इसका लैटरल बेंडिंग है, दोनों के कॉम्बिनेशन से स्नेक मूव करता है। तो इसमें वो ग्रिप करता है, ग्रिपिंग द ग्राउंड विद देयर बेली स्केल्स एट सेवरल पॉइंट। तो सारा पूरे ग्राउंड स्केल्स उसके वेंट्रल बॉडी पर है, तो सारे वेंट्रल बॉडी के स्केल्स एक ही साथ ग्रिप नहीं करते हैं, दे वर्क इन अल्टरनेट फैशन। सम ऑफ द स्केल्स विल ग्रिप, उसके बाद पीछे वाले जो स्केल्स होंगे वो छोड़ के रखेंगे, और उस जो छोड़ के रखे हैं उसके पीछे वाले स्केल्स जो है वो ग्रिप किए, तो ग्रिप उसके बाद रिलीज, ग्रिप रिलीज, ग्रिप रिलीज, इस तरह से स्केल्स जो है वेंट्रल साइड में करते रहता है, और साथ ही साथ उसका लैटरल मूवमेंट भी हो रहा है स्नेक का बाय द हेल्प ऑफ देयर मसल्स, एंड उस ग्रिप होने की वजह से एक पुश भी मिलता है उसको, एंड देन स्नेक मूव्स। स्नेक कैन आल्सो मूव बाय ग्रिपिंग द ग्राउंड विद देयर बेली स्केल्स एट सेवरल पॉइंट्स अलोंग द बॉडी व्हाइल द स्केल्स एट इंटरवेनिंग पॉइंट्स अल्टरनेट है, इंटरवेनिंग पॉइंट्स पर स्केल्स आर लिफ्टेड स्लाइटली ऑफ द ग्राउंड एंड पुल्ड फॉरवर्ड। इंटरवेनिंग पॉइंट्स पर स्केल लिफ्ट किया गया, फिर आगे पकड़ा, लिफ्ट किया, आगे पकड़ा, लिफ्ट किया, चलता रहता है अल्टरनेटिवली। स्नेक्स आर कार्निवोरस एंड अ नंबर ऑफ एडेप्टेशंस एड देम इन हंटिंग एंड ईटिंग प्रे। कार्निवोरस है ये, एसेंशियली दे आर कार्निवोरस, क्योंकि ये हर्वी बहुत लाइफ ये नहीं कर सकता है, ये निगलेगा, स्वेलो करेगा। दे हैव एक्यूट केमिकल सेंसर्स एंड थ्रू दे लैक एंड दो दे लैक ईयर ड्रम्स दे आर सेंसिटिव टू ग्राउंड वाइब्रेशंस। इनके पास ईयर ड्रम नहीं है बट ग्राउंड वाइब्रेशन को दे डिटेक्ट विथ विच हेल्प्स देम डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ प्रे। हीट डिटेक्टिंग ऑर्गन्स बिटवीन द आईज, आंख के बीच में थर्मोरिसेप्टर है इनका, एंड नॉस्ट्रिल ऑफ पिट वाइपर्स इंक्लूडिंग रैटल स्नेक्स आर सेंसिटिव टू माइन्यूट टेम्परेचर चेंजेस। थर्मोरिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन देयर हेड इनेबलिंग दीज नाइट हंटर्स टू लोकेट वार्म एनिमल्स। इसी वजह से रात में भी ये थर्मल इमेजिंग के द्वारा अपने शिकार का पता लगा लेते हैं। Venomous snakes inject their toxin through a pair of sharp teeth
दैट मे बी हॉलो और ग्रुप्ड। जहरीले सांपों में आगे एक शार्प टीथ होता है जो कि हॉलो होता है, उसमें छेद होता है दांत में, और पॉइजनस पॉइजन ग्लैंड से सिक्रीशंस रिलीज होके टीथ में जाता है, एंड फ्रॉम द टीथ आगे ग्रूव टीथ है, उससे फिर पॉइजन जो है निकलता है। द फ्लिकिंग टंग इज नॉट वेनमस। टंग जो है उसका काम क्या है, टंग वेनमस नहीं है, लेकिन ये फैन करता है ऑल्फेक्शन को, बट हेल्प्स फैन ऑर्डर्स टुवर्ड्स ऑल्फैक्टरी स्मेल ऑर्गन्स ऑन द रूफ ऑफ द माउथ। ऑल्फेक्शन का इसमें ऑर्गन क्या है, ऑर्गन ऑफ जैकबसन, नाम सुने होंगे, और ऑर्गन ऑफ जैकबसन कहां पर है, सांप के मुंह के ऊपर में, मुंह के जो छत है, जो मुंह खोलेगा सांप अपना, जो बक्कल कैविटी है, मुंह के छत में है उसका, ठीक है, जहां से आपका जैसे घर का छत है, रूम का छत है, पंखा है ऊपर लटका हुआ, तो वो जब मुंह खोलेगा उसके छत पे है बकल कैविटी के। एंड दीज स्मेल ऑर्गन्स ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, तो जब यहाँ छत पर है तो वहां तक हवा कैसे पहुंचेगी, सेंस बाहर की हवा, ये इसीलिए मुंह खोल करके टंग में के थ्रू फैन करते रहता, बाहर से अंदर की तरफ एयर को फैन करता है ऑर्डर को, एंड देन ऑर्गन ऑफ जैकबसन इज हाईली डेवलप्ड एंड इट सेंसेस। ओके, सो लूजली आर्टिकुलेटेड जॉ बोन्स, जॉ बोन है लूजली आर्टिकुलेटेड इनका, एंड इलास्टिक स्किन इनेबल्स मोस्ट स्नैक टू स्वेलो प्रे लार्जर देन द सॉरी डायमीटर ऑफ द स्नेक हेड। तो ये बड़े बड़े प्रे को भी निगल लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टर्टल पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद बर्ड्स में आ जाएंगे। टर्टल पढ़ के रेप्टिलिया आपका कंप्लीट हो जाएगा, रेप्टिलिया खत्म हो जाएगा, फिर बर्ड में आएंगे, और फिर उसके बाद बर्ड को के बाद मैमल में आएंगे, ठीक है। और एक चीज और छूट रहा है, हमको बाद में याद दिलाना, जिसमें हम एम्फीबिया पढ़ा रहे थे आपको, उस समय हम लाइक दिस जनरल करेक्टर्स ऑफ एम्फीबिया इस तरह से हम नहीं पढ़ाए, तो ये हमको याद दिला देना, उसका भी हम एक नोट बना लेंगे, जिस तरह से रेप्टिलिया का क्लास सब क्लास ऑर्डर सब क्लास ऑर्डर सुपर ऑर्डर तक बताएं विथ एग्जांपल, एम्फीबिया का भी कर देंगे, क्योंकि इस तरह का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एम्फीबिया का बताइए ऑर्डर तक विथ एग्जांपल, रेप्टिलिया का बताइए, तो याद दिलाना हमको, वो कर लेंगे। तो एम्फीबिया भी थोड़ा सा उसमें गैप रह रहा है, तो एम्फीबिया हो जाएगा वो खत्म, उस तरह का क्लासिफिकेशन एक एम्फीबिया का भी पढ़ लेंगे। ओके, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास कब मिलेंगे, आज हो गया आपका फ्राइडे ना, नहीं वेडनेसडे, वेडनेसडे को, सैटरडे को, ओके सैटरडे वी विल मीट, नेटवर्क तो अच्छा रहना चाहिए, सुबह देखो आज गड़बड़ हो गया तो नहीं कर पाए हम लोग क्लास, और दोपहर तक गड़बड़ रहा, वो पीजी क्लास भी मेरा डिस्टर्ब रहा पूरा, आज शाम को ठीक हुआ तो अभी देखो। एनीवे चलो सैटरडे को 7 बजे सुबह, ओके, और हाँ वन सेकेंड, 7 बजे सुबह में 7 बजे का टाइम में, सॉरी सर क्या बोले, 7 बजे के टाइम को मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना है, 7:30 को 8:30 कर, जैसा अभी आप कर रहे हैं, 8 o'clock onwards, 8 बजे से, ठीक है सर, ओके चलो 8 बजे, यस सर, क्लास हो गई, चलो बाय बाय, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, बाय।